अभी रविदास जी का बंदे टूटा, लव मी फेरिस, लंबा संघर्ष है, लेकिन नतीजा क्या निकला? यानी दलित और पिछड़ों ने जो एक तरह से हेल करके जो वोट दिया है उस पर भी सोचना चाहिए। जो जात है हजारों साल से हमारी दुर्गति इसी से, और ये जात हम छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसी वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो 70 बरस में एक बरस की एक जगह की एक चुनाव में मिलती है। हर चुनाव में 70 बरस में यहां या वहां गलती की। जो आज का कार्यक्रम है, फंक्शन है, अभिनंदन है, वो छत्तीसगढ़ की जनता का है कि 4-5 सीटों में चुनाव होगा तो ये पिछड़े और दलित के बीच में से काम करने वाले भाई उमेश बघेल जी को सरकार हिल जाएगी, दिक्कत बच जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज कश्मीर जो कश्मीर है पूरे देश भर बड़ा सूबा नहीं, तब 11 सीटें हैं। लेकिन कमाल ये है, विधान लोकसभा का चुनाव आया और साथ और ये जो हम अच्छे वोट डाला गया था सब हिंदी बोल रहे करोड़ तो भगवान का, और उनने आज तक अपना कल्याण नहीं किया, आज तक अपनी सद नहीं की। इतने भगवान है, उन्होंने आज तक इतनी लाचारी, बेबस, गुर्बत, गरीबी, मान अपमान सम्मान कोई चीज नहीं है जो हमसे इन वर्गों से नहीं छीन। राम जयंती बना भाई बैगार हार गए, ये चुनाव ऐसा कबीर हार गया, मैदास हार गया, रविदास हार गया, आदमी क्या करे। आते हैं हमारे पिछले लोग, लेकिन वो अपमानित भी होते हैं और जो कह रहे हैं उसको उस सवाल पर आते भी होते हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं पूरे देश में उत्तर भारत में एक सूबा है जिसने जो दलित और पिछड़ा है उसके हक में ठोंक के फैसला कर दिया। और पूर्णिया साहब भी बता रहे कि जल हो, जंगल हो, इतनी चीजें किसान के, किसान कौन है, किसान कौन है, हथियार लिए हुए है, हल लिए हुए, इन दोनों का मेहनत से पैदा होने वाले उत्पाद को
बेहतर कीमत देने का काम हो गया। कल्पना करो दिल्ली में राज हो जाए, अमरीका में तो बाराक ओबामा बन गया, वहां कत्लेआम हुआ है, आपका गोरे और काले लोग, लेकिन वो लोग समाज है, पूरा समाज है। उन्होंने हमारे जिस धरती से राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस है उसको ब्लैक पूरा कर दिया, सारा रिजर्वेशन खत्म है। जान लो बुढ़िया जी बता रहे थे बाप सब बेकार है, सब छेड़ेगा, और ये जात को जमात में नहीं बदला तो दुर्गति आपकी पूरी नहीं होगी। बाबा साहब ने संविधान बनाने वालों ने आपके हाथ में पंचायत दिया, पर हम लोग देखो हमारा मन का बुद्धि का विवेक का हर चीज का इतना शोषण हो गया है, इतनी बड़ी हाथ में ये जो वोट है एक बैलेट पेपर, जो भारत सरकार का बजट है वो 24 लाख करोड़ का है, भारत सरकार का बजट 24 लाख करोड़ का है, एक वोट जो है वो 24 लाख करोड़ का है, तो हम लोग जो है वो संख्या रखते हुए आज बोल कर दिया, निकले जाओ आने वाला चुनाव, ये जितना हमारा वर्ग है उसकी तबाही का खेल शुरू कर रहा है। ये जो बैलेट पेपर है ये पृथ्वी जब से बनी है तब से पहली बार हमारे हाथ में हक आया हुआ, कोई और बाबा और कोई नहीं, इन्हें हमारे हाथ में ताकत दी बाबा साहब संविधान बनाने वालों, लेकिन हम 5 लाख 6 लाख कभी हुआ क्या, कभी हो गया एकदम मतलब मैंने आपको देखो चारों तरफ कांवरी है कांवरी, तो यहाँ देश में मुख्य वास्तव पक्ष के साथ पर हम लोग सबसे ज्यादा उसमें मरे जाते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि आपको इतने 11 साल हो गए मतलब आज ये जो 33 करोड़ में से एक भी तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है, हम यहाँ माथा मार रहे हैं, मेरे यहाँ मेरी बात सोच रहा यहाँ कोई भक्त होगा डरता होगा भगवान से नहीं कर गया, जब से हो समाधान मुझे समझ आ रहा है अरे भाई एक आज मान लो हमने नहीं कह रहा एक आज मान लो अरे मंत्रा कहीं से एक मंत्रा और इनका अभिनंदन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि पहली बार तमिलनाडु तो ये हम सब लोगों को ये दिखवा रहा है वो गजब जब है, लेकिन उसी तमिलनाडु में तो संविधान संशोधन कर रहा था मगर भूपेश भूपेश बघेल साहब ने अपने प्रसाद से ही लागू किया, पेपर जो है वो आज हो गया
ये ताकतवर नहीं है, ये ताकतवर सही जगह गिरेगा तब है ना पांच होगा। ये समय बहुत है, मैं उनका अभिनंदन नहीं करना चाहता का। साथ साथ जो यहाँ इकट्ठा है आपने कहा था हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, लोग मेरे पास आए थे, हमारी जारी है और बड़ी प्रयास की उसने कि ये विकास परिवार के प्रोग्राम दिया और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भूपेंद्र जी बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा है उन्हीं के लिए आपको सभा। हम तो इस बीच में कुछ है कोई ऐसी बातें हैं कि यहाँ ताली बजा के जाना नहीं है, एकदम चारों तरफ लोगों को समझाना है, जात में लगाओ और इकट्ठे हो जाओ करो भारत प्रकाश। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।